ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। सब्सक्राइब करें और देखें फ्राइडे एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। इस कहानी के लेखक है आदित्य निमकर। कामनगर गांव में एक सिद्ध पुरुष रहते थे। उनके पास गांव के लोग अपनी समस्या लेकर आते थे और बाबा उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते थे। बाबा जी के चरणों पर आए हुए दंपत्ति, बाबा जी हमें 50,000 रुपयों की सख्त जरूरत है, पर हमें कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही। चिंता ना करो, शांति से अपने घर जाइए, आप अपने अलमारी में 50,000 रुपये पाएंगे। बाबा जी की कही बात कभी झूठी नहीं होती थी। घर पहुंचते ही पति पत्नी को अपने अलमारी में 50,000 रुपये मिले। बाबा जी के चमत्कार से लोगों में उनके प्रति श्रद्धा बढ़ी। बाबा जी के पास लोग जो कुछ मांगते थे वो बाबा जी के आशीर्वाद से मिल जाता। लेकिन बाबा जी सिर्फ अमावस की रात गांव आया करते थे, बाकी समय वो कहां जाते थे किसी को नहीं पता था। लोगों का कहना था कि बाबा जी जंगल में नई नई सिद्धियां प्राप्त करने जाते हैं जिससे मानव कल्याण हो। ये सारी बातें कामनगर में रहने वाले नरेंद्र ने भी सुनी थी। बाबा जी के कई चमत्कार अपनी आंखों से देखे भी थे, लेकिन उसने बाबा जी से कभी कुछ मांगा नहीं। उसे तो बस बाबा जी से एक ही चीज चाहिए थी, वो थी बाबा जी की सिद्धि, और फिर किसी और की नहीं, खुद की सारी इच्छाएं पूरी करने के सपने नरेंद्र देखता था। उसने कई बार बाबा जी का पीछा किया। बाबा जी के पीछे पीछे वो जंगल में जाता था, लेकिन घने जंगल में जाकर बाबा जी कहां गायब हो जाते थे उसे पता ही नहीं चलता था। फिर एक अमावस की रात उसने बड़ी हिम्मत करके बाबा जी से उनकी सिद्धियों के बारे में पूछा और ये सिद्धि प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए इसके बारे में जानने की भी कोशिश की। बाबा जी, मैं आपके जैसे ही सिद्धि प्राप्त करना चाहता हूं, जिसे मैं जिस भी चीज को पाने की इच्छा मन में रखूं वो मुझे मिल जाए। मुझे इसके लिए क्या करना होगा बाबा जी? नहीं नरेंद्र, तुम्हें जो कुछ चाहिए मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें वो दूंगा। बस ये सिद्धि प्राप्त करने की जिद मत करना। नहीं बाबा जी, मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे बस वो सिद्धि दीजिए बाबा जी, उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, कुछ भी। बाबा जी के लाख मना करने पर भी नरेंद्र बार बार उनका पीछा करता रहा। अब उसे बस वो सिद्धि चाहिए थी जिससे वो किसी भी चीज को पाने की इच्छा मन में रखे वो मिल जाए। आखिर एक रात बाबा जी उसे जंगल में अपने साथ ले गए। वहां उसे सिद्धि देने को वो तैयार भी हो गए। नरेंद्र याद रखो, ये सिद्धि नहीं श्राप है, ऐसा श्राप जो तुम्हें जीते जी पल पल मारता रहेगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बाबा जी, मुझे बस अपनी सारी इच्छाएं पूरी करने की शक्ति चाहिए। ठीक है, पर उसके लिए तुम्हें 8 साल इंतजार करना पड़ेगा। बाबा जी 8 साल? लेकिन क्यों, क्या करूंगा मैं 8 साल? बताता हूं, जाओ जाकर गांव से एक अनाथ बच्चा लेकर आओ, ऐसा बच्चा जिसकी उम्र महज एक दिन की हो। उसे 8 साल बड़े लाड़ प्यार से पालना,
और उसकी किसी भी इच्छा को अधूरा मत रखना। 8 साल बाद मैं तुम्हें इस जंगल के पार वाले खंडर में मिलूंगा, विश्वास रखना। 8 साल बाद तब मैं तुम्हें वो सिद्धि दूंगा। ये कहकर बाबा जी जंगल में चले गए। नरेंद्र के सर पर बस अब सिद्धि प्राप्त करने का भूत सवार था, इसलिए वो कोई भी गुनाह करने को भी तैयार था। उसे बहुत ढूंढने पर एक अनाथालय में ऐसा बच्चा मिला जिसकी उम्र 2 दिन की थी। नरेंद्र ने उस बच्चे को गोद लिया, उसे घर ले आया, उसको बड़े ही लाड़ प्यार से पाला जैसे अपना खुद का ही बच्चा हो। वो जो कुछ मांगता उसे दे देता था, चाहे नरेंद्र के पास पैसे हो या ना हो। कीमती खिलौने, रोज के खाने पीने में मिठाइयां तथा काजू बादाम देता था। सर पे कर्जा चढ़ने लगा, लेकिन नरेंद्र ने बच्चे को कभी नाराज नहीं किया। उसे कभी कभी शक होता था कि इस बच्चे के वजह से मुझे सिद्धि कैसे प्राप्त होगी, कहीं बाबा जी ने मुझे फंसाया तो नहीं। फिर भी 8 साल बच्चे को उसने प्यार से बड़ा किया। अमावस की रात बाबा जी गांव में आए तो उन्होंने नरेंद्र को अपने पास बुलाकर बच्चा लेके कल रात खंडहर में आने के लिए कहा। नरेंद्र, कल रात को किसी को बिना बताए बच्चे को लेकर आना। कल दिन भर बच्चे से उपवास कराना। रात को उसे लेके आते वक्त उसकी पसंदीदा मिठाइयां भी लाना। नरेंद्र खुश हो गया। आज तक बच्चे की सारी इच्छाएं उसने पूरी की थी, अब उसकी खुद की इच्छाएं पूरी होने का वक्त आ गया था। दूसरे दिन वो बेसब्री से रात का इंतजार कर रहा था। रात को बच्चे को लेकर नरेंद्र खंडहर पहुंचा। खंडहर बड़ा ही डरावना था। बच्चा ही नहीं बल्कि नरेंद्र भी खंडहर देखकर डर गया। बाबा जी खंडहर में हवन कर रहे थे। उनके सामने एक खोपड़ी रखी थी जिसमें खून भरा हुआ था। नरेंद्र को बाबा जी ने अपने सामने बिठाया और खून की छींटे उस पर उड़ाई। फिर बाबा जी मंत्र बोलने लगे। बच्चा डरा हुआ बाजू में बैठा था। बच्चे, तुम्हें भूख लगी है? जी, मुझे खाना चाहिए। फिर बाबा जी के हुक्म के अनुसार नरेंद्र ने बच्चे को लड्डू खिला दिए। दिन भर भूखे मासूम बच्चे ने बिना सोचे समझे सारे लड्डू खा लिए। उसे यह भी नहीं पता था कि बाबा जी ने अपने पास की बड़ी तलवार उठा के नरेंद्र के हाथ में दे दी थी। नरेंद्र, ये बच्चा लड्डू खाने के बाद पानी मांगेगा, पर उसके पानी मांगने से पहले ही उसका सिर धड़ से अलग कर दे। नरेंद्र ये बात सुनकर घबरा गया। जिस बच्चे को उसने 8 साल से बड़े लाड़ प्यार से पाला था, उसकी हर बात मानी थी, ऐसे बच्चे को अपने ही हाथों से मारने का काम करने में नरेंद्र को डर लगने लगा। लेकिन 8 साल बाद सिद्धि प्राप्त होने की घड़ी आई थी। अब नरेंद्र को बस सिद्धि प्राप्त करनी थी। उसने अपना मन बना लिया। मैं अपने 8 साल बर्बाद नहीं होने दूंगा। बेटे, सारी मिठाई खा ली? जी पिताजी। और कुछ खाना है? नहीं पिताजी। क्या तुम्हें जो कुछ चाहिए था वो सब मिल गया? जी पिताजी। नरेंद्र के आंखों में जैसे शैतान समाया था। पिताजी, मुझे बहुत प्यास लग गई है, मुझे थोड़ा। नरेंद्र ने एक ही झटके में अपने ही हाथों से बच्चे को मार डाला। Ha 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 ha!
बाबा जी ने फिर बच्चे का सर उठाकर उसका खून नजदीक के कुंड में डाल दिया और नरेंद्र को उस कुंड में नहाने को भेज दिया और कहा कि नहाकर आते ही उसे अब सिद्धि प्राप्त होगी। खून भरे कुंड में नरेंद्र नहाने उतरा। नहाते वक्त नरेंद्र कांप रहा था, उसे अपने ही गुनाहों का एहसास होने लगा था। अब कहीं जाके वो समझने लगा था कि उसके हाथों से कितना बड़ा अपराध हो गया था। नहाकर आते ही उसने बाबा जी से कहा, बाबा जी क्या मुझे सिद्धि प्राप्त हो गई? तभी उसने बाबा जी के पीछे से अपने बच्चे के पिशाच को रोते हुए अपनी ओर बढ़ते हुए देखा। उसे देखकर नरेंद्र के होश उड़ गए। पिताजी, पिताजी, आपने मुझे क्यों मारा? क्या गलती थी मेरी? बच्चे के सवालों से डरकर नरेंद्र बाबा जी के पास दौड़ के गया। बाबा जी मुझे मेरा बेटा दिख रहा है, मुझे उसे मारना नहीं चाहिए था बाबा जी, मैंने बहुत ही गलती कर दी बाबा जी। पिताजी, आज तक आपने मेरी सारी इच्छाएं पूरी की, तो मुझे थोड़ा पानी भी पिलाइए ना, मुझे प्यास लगी है, मुझे बस थोड़ा पानी दीजिए। बच्चा मुझसे अभी भी पानी मांग रहा है बाबा जी। मैंने पहले ही कहा था, ये सिद्धि नहीं श्राप है, श्राप। नरेंद्र अब तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो चुके है, अब ये बच्चे का पिशाच जिंदगी भर तुम्हारे पीछे रोता रहेगा, ये अब हर वक्त तुमसे पानी मांगता रहेगा। तुम्हारी जो कुछ भी इच्छा हो तुम इस पिशाच से कहो। अगर तुम्हें सोना चाहिए हो तो कहना, बेटे मुझे पहले सोने के 100 सिक्के दो, फिर मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। जब तुम्हें पैसे चाहिए हो तो पिशाच से कहना, मुझे 10,000 रुपये दो, फिर मैं तुम्हें पानी दूंगा। बस अब जिंदगी भर यही चलता रहेगा, यही सिद्धि है। नरेंद्र ये सुनकर बहुत डर गया, उसके पैरों के नीचे से जमीन फिसल गई। डर के मारे वो वहां से पागलों की तरह भागने लगा और बच्चे का पिशाच उसके पीछे भागने लगा। जैसे ही वो घर पहुंचा तो उसने दरवाजे पर अपने बेटे का पिशाच हाथ में अपना ही सर लिए खड़ा हुआ देखा। पिताजी, और वो बेहोश हो गया। अब उसके पास हर वक्त बच्चे का पिशाच रहता है जो उसे पानी मांगता रहता है। पिताजी, मुझे थोड़ा पानी दीजिए ना। नरेंद्र ये सहन नहीं कर पा रहा, वो अब बच्चे से कुछ भी मांगने की हालत में नहीं रहा। नरेंद्र ने खाना पीना छोड़ दिया, वो बीमार रहने लगा। गांव के लोगों को लगा अपना प्यारा बेटा खो जाने की वजह से नरेंद्र बीमार पड़ गया है। सच्चाई सिर्फ नरेंद्र ही जानता था, सिर्फ उसे ही वो पिशाच दिखता था और उसका रोना सुनाई देता था। वो पिशाच से निजात पाना चाहता था। पानी मांगने वाला अपने बेटे का पिशाच अब ना उसे शांति से जीने देता था, न मरने देता था। घर में बैठकर नरेंद्र बस रोता रहता था, बच्चे से बार बार माफी मांगते रहता था। पिताजी, मुझे थोड़ा पानी दीजिए ना, पिताजी थोड़ा पानी दीजिए, बहुत प्यास लगी है पिताजी, थोड़ा पानी दीजिए ना पिताजी। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो बेटा। पर बेटे के पिशाच को अब माफी नहीं, सिर्फ पानी चाहिए। पिताजी, मुझे थोड़ा पानी दीजिए ना। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो
तो हमें सब्सक्राइब करें। हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। हम कोशिश करेंगे कि अगली एनिमेटेड स्टोरी आपकी होगी।